बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। इसके लिए मुझे चाहिए ये 2 कप मैदा, भर के 2 कप मैदा लेना है। और इसमें अब मैं नमक डालूँगी हसबे ज़ायका, जितना मुझे ज़रूरत है इतना, और एक अंडा। और अब इसको मैं मशीन में गूंदूंगी नीम गर्म पानी के साथ। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करूंगी मैं। थोड़ा सा और ऐड करूंगी, और इसमें अभी मैं थोड़ा सा मैदा और ऐड करूंगी, क्योंकि ये सिर्फ 4 पराठे बनेंगे इतने आटे से, तो मुझे 5 चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने और मैदा ऐड किया है इसमें। देखिए ये आटा बन के रेडी हो गया है। और इस आटे को तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, और उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाने हैं। 10 मिनट के बाद देखें, अभी मैं बना रही हूँ पराठे। इसके छोटे छोटे पेड़े देने हैं, छोटे नहीं सॉरी मिडिल में, जितने ना बड़े हों ना छोटे हों। ये 3 डिफरेंट किस्म के मैं परांठे आज बनाऊंगी, आपको दिखाती हूँ कैसे मैं बना रही हूँ। अभी इसमें मैं ये घी लगाऊंगी, बटर नहीं है ये घी है। और इससे बहुत अच्छे परांठे बनते हैं, बहुत क्रंची क्रंची और बहुत ही अच्छे और लेयर वाले बनते हैं। इसमें अभी मैं ये थोड़ा सा आटा डाल के इसको, फिर इसको ऐसे हाथ से लेर दूंगी इसके। ये देखें ऐसे उठाया और इसको फिर थोड़ा पीछे किया और फिर थोड़ा आगे लेके आके फिर को ऐसे सारा ऐसे करना है इसको। देखिए ये बन गया। अब इसका मैं पेड़ा बनाऊंगी। और देखें ये पेड़ा बन के रेडी हो गया। और अब फिर एक और स्टाइल में बना के दिखाती हूँ, सेम वैसे ही करना है इसको भी। इसको मिडल में से ऐसे कट करना है और ऐसे रोल करते जाना है। रोल करते करते इसका पेड़ा बनाना है। और ये देखें कितना अच्छा सा फ्लावर बन गया। और ये फ्लावर जब मैं पराठा बनाऊंगी तो इसके लेयर बहुत अच्छे आएंगे। और ऐसे इसको अब पेड़ा बना देना है इसका। अब मैं इसका पराठा बना के आपको दिखाती हूँ, देखना कितना अच्छा बन रहा है। और पैन मैंने पहले से गर्म किया हुआ था। मैं तवे पे बहुत कम बनाती हूँ, मैं पैन में ही बनाती हूँ पराठे। जो भी पराठे जब भी बनाने हो मैं पैन में बनाती हूँ, तवे पे सिर्फ रोटी बनाती हूँ। घी डाल के अब इसको टर्न ओवर करूँगी फिर से। देखा कितने अच्छे से लेयर नज़र आ रहे हैं इसके। अब मैं एक और स्टाइल में बना के दिखाती हूँ आपको। इसको ऐसे उठाया, इधर रखा, उधर से इधर रखा, और ऊपर से ऐसे फोल्ड किया, और ऐसे ये बना के। ये सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा बना। ये भी देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है पराठा। ये सेकंड पराठा है, पहला बन के रेडी हो गया। अब मैं सेकंड पराठा जो है ना वो डाल रही हूँ उस पर, सॉरी पका रही हूँ। अब वो जो मैंने थर्ड वाला दिखाया था ये वो वाला है। और देखिए ये कितना अच्छे से फूल रहा है। माशाल्लाह
बहुत अच्छा लग रहा है। वाह माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको मेरी? दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।